आज बच्चों हम बात करेंगे बेसिसिटी ऑफ इम्यून के बारे में। तो एक एक पॉइंट को समझिएगा, आज थोड़ा बेसिक बात करेंगे फिर इस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इम्यून्स, नोट करिए। इम्यून्स हैव ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन देयर नाइट्रोजन एटम एंड आर देयर फॉर बेसिक इन कैरेक्टर, देयर फॉर बेसिक इन कैरेक्टर। एक एक पॉइंट समझिएगा। एमीन की बात करें तो एमीन्स हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन एटम। तो बात करें तो नाइट्रोजन एटम का एमीन की बात करें तो एमीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, आर एन एच टू, इसके पास लोन पेयर है। लोन पेयर की वजह से क्या होगा, हमारा बेसिक इन करेक्टर होगा। आगे पॉइंट नोट करिए, दे आर स्ट्रॉन्गर बेस देन वाटर। हम बात करें तो अगर एमीन की बात करें तो आर एन एच टू, वाटर की बात करें एच ओ एच, यहाँ पे दो लिए गए हैं। तो एक आ गया कि एमीन जो होता है स्ट्रॉन्गर बेस होता है वाटर से। बेस का मतलब क्या होता है, जो आसानी से लोन पेयर दे दे। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, किसके कंपेरिजन में, ऑक्सीजन मीन्स ई एन वैल्यू की बात करें तो ई एन किसका ज़्यादा, ऑक्सीजन का नाइट्रोजन से ज़्यादा होगा। मीन्स जितनी ईजिली अपना इलेक्ट्रॉन देता है उसकी बेसिसिटी उतनी ज़्यादा होती है। तो नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन ईजिली डोनेट करेगा किसके कंपेरिजन में, ऑक्सीजन। इसलिए एमीन जो होता है हमारा स्ट्रॉन्गर बेस होता है किससे, वाटर से। क्लियर है, फिर समझिएगा। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज़्यादा होता है। तो ये अब बेस का मतलब क्या होता है, जो आसानी से लोन पेयर दे दे या एच प्लस को एक्सेप्ट करे। तो नाइट्रोजन की ई एन वैल्यू कम है तो अपना आसानी से लोन पेयर क्या करेगा, डोनेट करेगा किसके कंपेरिजन में, ऑक्सीजन। क्लियर, आगे नोट करिए। हेंस इन एक्वस सॉल्यूशन एमीन्स गेट प्रोटोनेटेड। तो जैसे हम बात करें यहाँ पे आर एन एच टू की बात करें, यदि हम इन यहाँ पर क्या दिए एच टू, ये बेस होगा एसिड होगा, ये क्या करेगा अपना एच प्लस किसको दे देगा, अमोनिया एमीन को दे देगा। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है, आर एन एच थ्री प्लस एंड ओ एच माइनस, बेस का हम क्या होता है प्रोटॉन लेना। तो यहाँ से क्या होगा एच प्लस ओ एच माइनस, इसके पास लोन पेयर है इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। तो प्लस किस पे आ जाएगा, नाइट्रोजन पे, क्या बन जाएगा आर एन एच थ्री प्लस ओ एच माइनस, और जो लोन पेयर था एच के साथ क्या बना लिया, बॉन्ड बना लिया। तो यहाँ पे हम बात करें तो के बी बेसिसिटी के लिए क्या बोलते हैं, के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, बी मतलब बेसिसिटी। तो के बी बराबर क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, आर एन एच थ्री प्लस ओ एच माइनस अपान क्या लिखेंगे, आर एन एच टू। क्लियर है, अब समझेगा। तो हमारा जो बेसिसिटी होती है, बेसिसिटी वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के बी वैल्यू। के बी वैल्यू मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, के बी वैल्यू जितना ज़्यादा होता है उसकी बेसिसिटी उतनी ज़्यादा होती है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी के बी वैल्यू, ध्यान सुनिएगा। देखिए होता क्या है कि बेसिसिटी हमारा किस पे डिपेंड करता है, के बी वैल्यू, ये हमारा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है, आपको याद नहीं करना है। तो
के वी वैल्यू जितना ज़्यादा होगा उसकी बेसिसिटी उतनी ज़्यादा होगी, और पी के वी वैल्यू जितना कम होगा उसकी बेसिसिटी उतनी ज़्यादा होगी। समझदार। जैसे आपके सामने तीन दिए गए ए बी और सी, इसकी के वी वैल्यू दी गई है 2, इसका दिया गया 9, इसका दिया गया 6। अब पूछ लिया जाए बेसिसिटी किसकी ज़्यादा होगी, बेसिसिटी, तो बेसिसिटी किस पे डिपेंड करता है, के वी वैल्यू। तो के वी वैल्यू सबसे ज़्यादा किसका, बी का, तो होगा बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन ए। तो यहाँ पे लिखिए के वी इज कॉल्ड बेसिसिटी कॉन्स्टेंट, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ के बी, ग्रेटर इज बेसिक स्ट्रेंथ। समझ में आ रहा है। तो के वी की वैल्यू जितना ज़्यादा होगी बेसिसिटी उतनी ज़्यादा होगी, और पी के बी की वैल्यू जितना ज़्यादा होगी बेसिसिटी उतनी कम होगी। तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आया बच्चों, बेसिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के बी वैल्यू, और दूसरा बेसिसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी के बी वैल्यू। इतना नोट करिए। तो मैंने बताया बेसिसिटी ऑफ एमीन जो होता है हमारा बेसिक ही नेचर होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसके पास का तो लोन पेयर किस पे, नाइट्रोजन एटम के केस में, और एमीन जो होता है मोर बेसिक देन वाटर। रीजन क्या होगा, ईएन वैल्यू ऑक्सीजन का नाइट्रोजन से ज़्यादा होता है, इसलिए इसका लोन पे इतना ईजिली डोनेट नहीं होगा जितना नाइट्रोजन का। ठीक है, इसलिए जब आप एक्वस मीडियम की बात करें तो अमोनिया बेस की तरह काम करेगा, वाटर एसिड की तरह काम करेगा, इसका एच प्लस लेके साल्ट बना लेगा। तो के बी इक्वल क्या आ जाता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ये आपको चीज़ें याद करना, ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो बेसिसिटी किस पे डिपेंड करता है, के बी और पी के बी वैल्यू। के बी वैल्यू जितना ज़्यादा होगा बेसिसिटी उसकी उतनी ज़्यादा होगी, क्लियर। और पी के वैल्यू जितना ज़्यादा होगा बेसिसिटी क्या होगी, उतनी कम होगी। ठीक, इसको नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। क्या कह सकते हैं, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ पी के वी स्मॉलर इज द बेसिक स्ट्रेंथ। पी के वी वैल्यू जितना ज़्यादा होगा बेसिसिटी उसकी उतनी कम होगी। इतना नोट करिए आप लोग। चलिए, तो हम बात करते हैं बच्चों, हम बेसिसिटी की बात कर रहे थे। तो बेसिसिटी में अभी तक मैंने डिस्कशन किया कि बेसिसिटी जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के बी वैल्यू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी के बी वैल्यू। चलिए, अब एक एक पॉइंट को समझते जाते हैं, इसके जो भी कन्फ्यूजन हो बेटा अपना कन्फ्यूजन क्लियर करते जाइएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, सारी चीज़ें बेटा एक्सप्लेन करेंगे। एलीफैटिक एमीन सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, फिर कौन होगा एमीन, फिर कौन होगा आपका एनिलीन। सारी चीज़ें हम एक्सप्लेन करेंगे, वो होगा बेसिसिटी का आर्डर, और सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। एलीफैटिक एमीन की अगर हम बात करें तो एलीफैटिक एमीन में आप तीन पढ़ेंगे, कौन कौन से पढ़ेंगे आप, थ्री डिग्री एमीन, टू डिग्री एमीन और वन डिग्री एमीन। तो सबसे ज़्यादा बेसिक किसका होगा, एलिफैटिक एमीन का होगा, फिर किसका होगा अमोनिया को होगा, फिर किसका होगा एनिलीन का होगा। अब सारी चीज़ों को हम एक्सप्लेन करेंगे, बस अभी आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा गया है आर
NH2, ये है आपका एनिलीन और ये है आपका अमोनिया। तीन दिए गए ए बी सी। पूछा जाए कि बेसिसिटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, बेसिसिटी तो बेसिसिटी सबसे ज़्यादा किसका होगा, एलिफैटिक एमीन। अब चाहे 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री इसमें भी किसका ज़्यादा होगा, आगे चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे ज़्यादा ए को होगा, सबसे ज़्यादा एलिफैटिक एमीन को होता है, फिर अमोनिया को होगा, फिर एनिलीन का, ए होगा, सी होगा, फिर बी होगा। यदि आपसे पूछा के बी वैल्यू किसकी ज़्यादा होगी, तो के बी वैल्यू होगा ए ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन बी। और पी के बी वैल्यू की बात करें तो पी के बी वैल्यू कितना होगी, पी के बी वैल्यू कितना होगी, सबसे ज़्यादा किसका होता है, बी सी एंड ए। समझ में आ रहा है, तो पी के वैल्यू सबसे ज़्यादा बी का होगा, फिर सी का होगा, फिर ए का होगा। तो पी के बी वैल्यू जितना ज़्यादा बेसिसिटी उसकी उतनी कम होगी। तो सबसे ज़्यादा बेसिस एलिफैटिक होगा, फिर अमोनिया होगा, फिर ए होगा। क्लियर है। यदि हम बात करते हैं जो एलिफैटिक एमीन होते हैं इनका जो पी के बी रेंज होता है, अप्रॉक्सीमेट बात कर रहे बेटा ऊपर नीचे, एलिफैटिक एमीन की बात करें तो जो इनका पी के बी वैल्यू होती है वो अप्रॉक्सीमेट होती है 3 से ले के हमारा होता है 4.22। क्लियर है, इसको नोट कर लीजिए। अमोनिया की बात करें तो अमोनिया की जो पी के बी वैल्यू आती है वो आती है अप्रॉक्सीमेट हमारा, ये सब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आपको याद नहीं करना, 4.75 होता है। और एनिलीन की बात करें तो एनिलीन की पी के बी वैल्यू होती है 9.38 होती है, 9.38 होती है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सबसे कम पी के बी वैल्यू किसका है, एलिफैटिक एमीन का है, फिर किसका है बेटा, अमोनिया का है, फिर किसका है, एनिलीन का है। क्लियर है। तो के बी वैल्यू सबसे ज़्यादा किसका होगा, एलिफैटिक का होगा, फिर अमोनिया का होगा, फिर एनिलीन का होगा। तो यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि बेसिसिटी जो होती है सबसे ज़्यादा किसका होगा बेटा, एलिफैटिक एमीन का होगा, फिर अमोनिया का होगा, फिर एनिलीन का होगा। पी के बी वैल्यू सबसे कम किसका होगा, एलिफैटिक का होगा, फिर अमोनिया का होगा, फिर एनिलीन का। के बी वैल्यू किसका ज़्यादा होगा, एलिफैटिक एमीन का, अमोनिया का, एन। क्लियर। अब एलिफैटिक एमीन में हम बात करें 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, ठीक है। अब इसमें किसकी बेसिसिटी ज़्यादा होगी बेटा, अब हम अगले लेक्चर पे इस पर डिस्कशन करेंगे। आज हम नॉर्मली हम सिर्फ सिंपल सा बात किए थे कि बेसिसिटी जो होती है सबसे ज़्यादा एलिफैटिक होगा, फिर अमोनिया होगा, फिर एनिलीन का होगा। और जो बेसिसिटी कांस्टेंट जिसका सबसे ज़्यादा होगा बेसिसिटी उसकी ज़्यादा होगी, और पी के बी वैल्यू जितना कम होगा बेसिसिटी भी हमारी उतनी कम होगी, ठीक है। एक फार्मूला होता है, ये सब चीज़ें आप पढ़ना नहीं बेटा, पी के बी बराबर होता है माइनस लॉग के बी होता है। ये सारी चीज़ें आपको नहीं पढ़ना है, ये सब हमारे कांस्टेंट वैल्यू हैं, ये आपको एग्ज़ाम में पहले बात दिया नहीं जाएगा और न तो आपको याद करना है। अगर आपको सिर्फ चीज़ें आपको बस पता होनी चाहिए। तो आज इतना ही, थैंक यू।